सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। दुनिया में हर व्यक्ति अलग है, इसलिए जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करना सीखें। प्रार्थना तभी सफल होती है जब भरोसा पक्का होता है, और प्रयास तभी सफल होते हैं जब मेहनत और लगन सच्ची होती है। जब अकेले हो तो मन पर काबू रखना सीखो, और जब सबके साथ हो तो जुबान पर कंट्रोल करना सीखो। जिस तरह सोच समझकर बोलना एक कला है, वैसे मौन रहना भी किसी समाधान से कम नहीं। आज का पंचांग 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, बैसाख मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि सुबह 8:25 तक रहेगी। इसके उपरांत पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। मृग शीर्ष नामक नक्षत्र रात्रि 2:07 तक रहेगी। इसके उपरांत आद्रा नामक नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय सुबह 7:29 से 9:05 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय सुबह 11:51 से 12:43 तक रहेगा। आज चंद्रमा वृषभ राशि पर दोपहर 1:12 तक रहेगी। इसके उपरांत मिथुन राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगे। तुला राशि 24 अप्रैल 2023 दिन सोमवार, आज आपको ग्रहों की स्थिति के कारण हर भावना काफी गहन प्रतीत होगी। आपको प्यार और नफरत दोनों ही का बहुत गहराई से अनुभव होगा। आपको ये समझाने वाले अवसर भी आएंगे कि आप किस कारण अब अपनी करीबी दोस्तों से पुरानी भावना से बात नहीं कर पा रही। हालांकि तुरंत कोई भी फैसला लेने के स्थान पर रुक रुक कर और सोच समझ कर कदम उठाना ही सही होगा। यह समय कुछ बड़ी योजनाओं को बनाने का है। एक अनुबंध या रोमांचक नए निर्णय को आपकी समीक्षा की जरूरत है। ढीले सिरे को बांधे और संबंधों में अगले चरण में जाने पर विचार करें। आपके परिवार में मतभेद हो सकते हैं, इन्हें हल करने के लिए समय निकालें। छोटे अवसरों से ही बड़े कामों की शुरुआत होती है। नए रिश्ते और गठबंधन बनेंगे। आप अपनी जीत की ओर बढ़ रहे हैं। अवसरों के लिए रास्ता खुद बनता जाएगा। आपका खुद पर और दूसरों पर विश्वास आपके लिए लाभदायक है। सफलता की राह और असफलता का मार्ग लगभग बिल्कुल एक जैसा ही है, बस आगे बढ़ते रहें। किसी झगड़ालू इंसान से वाद विवाद आपका मूड खराब कर सकता है। समझदारी से काम लें और अगर संभव हो तो इससे बचें, क्योंकि किसी भी तरह का विवाद आपके लिए मददगार नहीं रहेगा। दिन चढ़ने पर वित्तीय तौर पर सुधार आएगा। अपने सामाजिक जीवन को दरकिनार ना करें। अपने व्यस्त दिनचर्या में से थोड़ा सा समय निकालकर अपने परिवार के साथ इसे आयोजन में शामिल हों। यह न सिर्फ आपका दबाव कम करेगा बल्कि आपकी झिझक भी मिटा देगा। जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां तो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रही हैं, जो अपने प्रिय के साथ छुट्टियां बिता रही हैं, वे उनकी जिंदगी के सबसे यादगार लम्हों में से होंगे। आज आपको महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान देने की जरूरत है। अपने जीवन साथी के चलते आप महसूस करेंगे कि स्वर्ग धरती पर ही है। अपने घर से बाहर निकलते समय अपनी जरूरी सामान को एक बार जरूर देख लें। कार्य प्रणाली बेहतर होगी तथा किसी काम में उचित सफलता मिलने से उत्साह और अधिक बढ़ेगा, जिससे दिन भर की थकान भी भूल जाएंगी। युवाओं तथा विद्यार्थियों को प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने की उत्तम संभावनाएं हैं। यात्रा संबंधित बनाई गई योजना सफल होगी। कुछ बातों के लिए जरूरत से अधिक खर्च होने की संभावना है। फिलहाल परिवार पर पूरी तरह से ध्यान दें। जितना अधिक मानसिक रूप से आप उनके साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे, उतनी आसानी से उनकी समस्याओं को जानकर दूर करना आपके लिए संभव हो सकता है। काम की जगह मिली हुई जिम्मेदारी को पूरा करना जरूरी होगा, वरना आपके साथ अन्य लोगों का नुकसान होने की संभावना है। युवा वर्ग के द्वारा विवाह संबंधित निर्णय अगले कुछ दिनों में लिया जाएगा। सर्दी और एलर्जी जैसी तकलीफ भी बढ़ सकती है, ध्यान रखें। आज आर्थिक एवं व्यावसायिक रूप से लाभदायक यात्राएं संभव है। आपके लिए सुखद अनुभव रहेगा। आत्मविश्वास एवं स्फूर्ति से अच्छा मुनाफा कमाएंगे। पारिवारिक परिवेश में तनावपूर्ण स्थितियों के चलते कुछ दिक्कतें हो सकती है। सावधानियां।
समय अनुसार कोई भी निर्णय ले। जल्दबाजी और आवेश की वजह से आपकी व्यक्तिगत कार्यों में तथा संबंधों में रुकावट आ सकती है। करियर और व्यक्तिगत कार्यों में अपने अहम को आड़े न आने दें, अन्यथा बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। बात करते हैं लव लाइफ की। किसी भी असमंजस्य की स्थिति में परिवारजनों का सहयोग लेना आपके लिए सहायक रहेगा। प्रेम संबंधों में किसी प्रकार की नकारात्मक बात से दूरियां आ सकती है। आपका पिछला अफेयर आपको अभी भी परेशान कर रहा है और ऐसा कई बार हो चुका है। अपने आप को पिछले कड़वे अनुभवों से परेशान न होने दें। हालांकि अभी आपके आसपास कोई ऐसा है जो आपको पिछले मजेदार दिनों की याद दिलाता है। आप इस आदमी के साथ एक नई शुरुआत की कोशिश कर सकते हैं। बस अपनी कोशिशों के सफल होने तक का इंतजार करें। लिव इन पार्टनर या कोई करीबी मित्र आज आपके साथ कुछ अच्छा समय बिताना चाहता है ताकि आपके और भी नजदीक आ सके, लेकिन काम के कारण आप व्यस्त हो सकते हैं। नए जॉब मिलने की संभावना है। नए वातावरण में नए संबंध बनेंगे। जीवन में आई हर परेशानी कोई न कोई शिक्षा देती है। कुछ नए संबंध बनेंगे जिनसे आपको लाभ होगा। आपका व्यस्त कार्यक्रम आपको अपने जीवन साथी से दूर कर रहा है। ऐसे में अपने साथी के लिए भी कुछ वक्त निकालें। ध्यान रहे, आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपका खुशहाल संसार तबाह कर सकती है। बात करते हैं करियर की। आज नए परिवेश वातावरण में काम करने से धन का नुकसान हो सकता है। शांत रहना और आपकी योजनाएं आपके प्लस पॉइंट है जिनके सहारे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। व्यापार बिक्री खरीद के लिए समय अच्छा है। कानूनी समझौते और ट्राई अप की संभावना भी है। एक छोटा सा मौका आज आपको एक बड़ी डील दिला सकता है। अपनी आंखें खोलकर अपनी कानूनी संबंधों और नए संबंधों या गठजोड़ों पर ध्यान दें। आपके आसपास के लोग भी आपकी सहायता के लिए तैयार हैं। आपका और आपके प्रियजनों का विश्वास आपको आने वाली हर मुसीबत से बचाएगा। आज के दिन विद्यार्थियों, युवा बेरोजगारों और स्वनियोजित व्यवसायियों के लिए काफी करियर अवसर आएंगे। आप एक ऐसी परियोजना के भागीदार बन सकते हैं जिससे आपके करियर की दिशा परिवर्तित हो सकती है और काफी समय से आपको इसकी तलाश भी थी। आपको इस अवसर का उपयोग काफी समझ के साथ करना है क्योंकि ये अवसर जीवन भर में कभी कभी ही मिलती है और ये काफी महत्वपूर्ण भी है। आपके बुरे करियर की दिशा इस अवसर से परिवर्तित हो सकती है। ये परियोजना निवेश से संबंधित भी हो सकती है। ये परियोजना विदेश से संबंधित भी हो सकती है। व्यवसायिक गतिविधियों में बहुत अधिक गंभीरता से सोच विचार व मूल्यांकन करने की जरूरत है। उधार दिया हुआ पैसा व पेमेंट कलेक्ट करने के लिए आज के दिन उत्तम है। नौकरी पेशा व्यक्तियों को अचानक ही किसी प्रकार की यात्रा का ऑर्डर आ सकता है। बात करते हैं सेहत की। माइग्रेन व सिर दर्द की वजह से दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाएगी। वरिष्ठ तथा तलाभुना खान पान लेने से परहेज रखें। आज कईयों की सेहत कुल मिलाकर अच्छी भी रहेगी। सिर तथा तंत्रिका तंत्र से जुड़ी कोई पुरानी समस्या भी सिर उठा सकती है। ठंड ना लगे इस बात का विशेष ध्यान रखें क्योंकि इससे माइग्रेन तथा साइनस जैसी पुरानी बीमारियां फिर से उभर सकती है। दूसरी ओर आप कुछ दिनों से जिन स्वास्थ्य संबंधित सावधानियों का पालन कर रहे हैं उनका असर आज देखने को मिलेगा। वजन कम करने की कोशिश में आज सफलता भी मिलेगी। आज का उपाय। आज आप शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराना बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।